अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज, आज है 1 अक्टूबर और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात में, यानी कि 9 बज रहे हैं और मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो मैंने सुबह में व्लॉग स्टार्ट करी थी, चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैं कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्यों तो मुझे बहुत सारा काम था, मुझे व्लॉग एडिट करना था, बच्चों को खाना, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसके लिए व्लॉग नहीं बना। वॉशिंग मशीन चल रही है, मतलब एक टाइम वॉश कपड़े वॉश हो गए। और खाना क्या बनाऊं, अभी रोज का टेंशन ही है वो, क्या बनाऊं करके। तो आज तो कुछ कंटेंट ही नहीं मिल रहा था कि क्या व्लॉग बनाऊं करके, लेकिन फिर भी मैंने कैसे वैसे व्लॉग स्टार्ट करी। तो फिर अभी बना रही थी मैं खाना, लेकिन इतने में आ गई है शोरमा लेके, और मैं सारे प्रिपरेशन कर रही थी, मैं मसाला पुलाव बना रही थी ना, तो ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रख दी। तो शोरमा खाने के बाद में सबका पेट भर गया, तो फिर मैंने ना जो मसाला पुलाव था वो कैंसिल करी और सारी चीज़ें अच्छे से फ्रिज में उठा के रख दी। गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो हो गया है नेक्स्ट डे और कल मैंने आधा काम की, मतलब खाना तो मुझे बनाना नहीं था कि, तो शोरमा खाए ना तो सबके पेट फुल हो गए थे, तो खाना वाना नहीं बनाए और व्लॉग भी नहीं बनाए मैं कुछ। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे, उठ के चाय नाश्ता वगैरह हुआ और अब मैं बना रही हूँ मसाला पुलाव, यानी मसाला पुलाव फटाफट मैं बना रही हूँ। अभी सुबह सुबह अभी नाश्ता वगैरह करेंगे ना सब लोग। ये देखो मसाला पुलाव मैंने मटर का आलू मटर डाल के मस्त वाला बनाई, खुशबू बहुत अच्छी आ रही। मैं इसकी रेसिपी नहीं बता पाई, मेरे को बहुत ज़्यादा घाई थी, जल्दी जल्दी खाना बनाना था इसके लिए। अचार लो, लाइटिंग निकाल। खराब हो जाएंगी फिर, अभी मैं लगाऊंगी 11वीं शरीफ में। कभी कभी ना व्लॉग बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन मैंने कैसे कैसे करके व्लॉग को स्टार्ट तो करी, लेकिन क्या कंटेंट लूँ, मतलब क्या व्लॉग बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसा भी मैंने स्टार्ट करी, मैं बोली जो भी मेरे आज करूँगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा आज का दिन बोर लग रहा था, और फिर मैंने अपने आप को बिज़ी की थोड़ी सी साफ़ सफाई में। वैसे तो 4-5 दिन से मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो आज मैंने गैलरी साफ़ की। हवाएं नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सब प्लास्टिक निकाली और गैलरी साफ करके लिए, कब से वही कर रही थी, गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी देखो बारिश स्टार्ट हुई थी जब से गैलरी को साफ नहीं किए थे, अभी करी अच्छे से साफ। और वाइट कपड़े धो रही हूँ मशीन में ना, दिल ही नहीं लग रहा आज का दिन कैसा निकला पता नहीं। ये देखो वाइट कपड़े धोए जा रहे। किचन देखो मैं इतना साफ करती हूँ, इतना काम करती हूँ तो भी गंदगी रहती रहती। और क्या कर रही हूँ पता है, ये हैंगल में कपड़े लगाने हैं सुखाने के लिए। तो सुबह से काम कर रही हूँ, मशीन लगाई हुई है ना, तो सुबह से कपड़े धो रही हूँ। व्हाइट कपड़े ज़्यादा थे ना इस बार इसके लिए, मिलाजुल नबी की वजह से फ्राइडे था तो बहुत सारे व्हाइट कपड़े जमा हो गए थे, तो वो लगाई हूँ मशीन में। और मगरिब का टाइम हो गया तो नमाज हो गई पढ़ के, बच्चे लोग की नमाज होने के बाद उनको पढ़ाऊँगी अरबी। वालेकुम अस्सलाम। और मगरिब का टाइम की नमाज़ पढ़ते मगरिब की, और उसके बाद में तुरंत हम अरबी पढ़ाती हूँ मैं सबको, चारों को भी। और
फिर अरबी का ये रोज़ ये टाइम में डेली, सिर्फ कभी कभार मतलब कहीं बाहर जाएंगे तो अरबी नहीं होती मतलब, लेकिन मगरिब के टाइम में डेली होती है। मैं आप लोगों को बताती नहीं हूँ लेकिन मैं डेली अरबी पढ़ाती हूँ बच्चों को। और मेरी मोना का आज से नहीं कल से ही कुरान शरीफ चालू हुआ मेरी मोनो का, है ना मोना? हाँ। तो अभी उसको अरबी, चलो सीधा बैठो, चलो आयत को पढ़ा रही हूँ। अलीफ से वारिस का क्या चल रहा? तो फिर क्या चल रहा है तेरा आज? अभी आया मैं, ये ना थोड़ा काम के सिलसिले में बिजी रहते तो ब्लॉग में ज्यादा आ नहीं, मैं आ नहीं पा रहा हूँ जरा। अभी आया हूँ मैं, हाथ मुंह धो के निकला तो बोला एक कप चाय बना अभी, और वापस जाने का बाहर मुझे एक कप चाय मार के चले जाता। हाँ चाय पी के मतलब, ठीक है बना फटाफट चाय, बना फटाफट चाय बन रही गाइस, चलो आओ आप लोग भी चाय हमारे घर। इनको ना बारिश थी तो इसके लिए सैंडल पहनना था, मैं बोलती हूँ इनके बदले के, इनको बोलते नहीं आ रहा। तो अभी वो जा रहे हैं उनके पापा के साथ सॉक्स लेने के लिए, शूज के साथ पहनने वाला स्किन कलर का, तो वो आप लोगों से उनकी बात शेयर कर रहे हैं। अभी मैं बना रही हूँ चाय, तो ये देखो ये बन रही है चाय। परेशान मत करो, इतने कपड़े बाकी। कपड़े सुखाए मैंने आज, तो कपड़े सुखाने के लिए जगह ही नहीं है, बहुत सारे कपड़े थे मतलब, इतने अभी बाकी है व्हाइट वाले। अब इसको उठा के फोन रखेंगे, ला के तो रखते हैं लेकिन उसको बराबर जगह पे रखते हैं। बर्तन धो रही हूँ, डेली रूटीन है गाइस, डेली रूटीन, एक दिन भी छुट्टी नहीं है काम के लिए, समझे क्या? बच्चों को बाहर भेजी मैं थोड़ा खेलो, बस घर में ही है तो खेलने के लिए गए। रात हो गई, शाम हो गई है 8 बजे कुछ, अरबी वगैरह पढ़ा के लिए बच्चों को चाय पी, और ये चाय पी के गए बाहर। आज तो काम ही नहीं हो रहा, पानी आता नहीं ना टाइम पे बराबर, इसके लिए वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं, कपड़े के लिए पानी ज़्यादा लगता ना, तो पानी टाइम पे नहीं आता है। टाइम पे पानी आएगा ना तो कैसा फटाफट काम हो जाता, तो रुकते 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 काम करना पड़ता है ऐसा है। तो अभी बर्तन धो के ले रही हूँ, थोड़े से है लेकिन आप लोग, और ना खाना बनाना नहीं है आज, सिर्फ सलाद बनाऊंगी पुलाव के साथ में, थोड़ा सा सूखा सूखा बना बहुत, तो उसको सलाद बनाऊंगी। तो उन्होंने सॉक्स लेके आई जाके दुकान से, और फिर मैं बोली जा वारिस और आयत को, बाहर गए। आज का ब्लॉग 2 दिन से चढ़ रहा है, कल रात को स्टार्ट किया, किधर से किधर ही बन रहा है पता ही नहीं चल रहा, कैसे कैसे बना रही हूँ। कल मस्त मैं क्या करने वाली थी, पुलाव बनाने वाली थी, तो उतने में ये आ गए, तो इन्होंने लेके आए थे शोरमा, तो सबने खाए एक एक दो दो,
पेट फुल हो गया तो खाना फिर मैंने कैंसिल की, सारी चीजें कट करके रखी थी मैंने। जैसे अभी सुबह में बनाए ना तो थोड़े से चावल ज्यादा हो गए, थोड़े से ही खाए, बच्चों ने ज्यादा नहीं खाए, जैसे गले में फंस रहे थे चावल, पानी कम हो गया था। तो फिर मैंने क्या की मालूम है, सलाद बनाऊंगी ककड़ी से, ककड़ी मंगाने के, ककड़ी नहीं है, ककड़ी खत्म हो गई, दही वगैरह मंगाती हूँ दुकान से, और फिर थोड़ा सलाद बनाऊंगी और फिर खाना बनाती नहीं हूँ आज, वो उसका टेंशन है। नींद आई और मैं उसको बोल रही हूँ चल मैं सुलाती करके, पहले एक बार बोला सिर्फ और सेकंड एक बार बोलने के बाद में जब मैंने नहीं सुनी तो उतना गुस्सा आया, पूछो मत, ये लेट आई नीचे, देखो क्या हुआ, चल ना, क्या हुआ बोलो, चलो इस मस्ती मत करो बस, चलो चलो सो जाओ। किधर डायनासोर, ये मिकी माउस है, चलो सोने का है। हेड मसाज कर रही मैं, है ना वारिस? चलो सोनू मोनू की स्कूल की तैयारी चल रही है, हम वो क्या बोले तो यूनिफॉर्म को प्रेस करने का था, आज मैं सोची थी बाहर से ही मंगाओ प्रेस करके, क्यों तो ना मेरे को आज काम इतना है कुछ हेड मसाज कर, एक दो दिन में तेल लगाती हूँ इनके सर पे मैं, दोनों चारों के, रोज नहीं लगाती, दिन में तो लगाती नहीं, बस सिर्फ। हाँ मम्मा, वारिस को कब से नींद आई हुई है, चुप ना जरा वारिस, नींद आई कितना टाइम हो गया लेकिन सो रहा नहीं, किधर, वाय कौन सी बुक, क्यों नहीं लाई, ये गई थी उसके फ्रेंड के घर पे होमवर्क करने, लेकिन होमवर्क करके बुक उधर पे ही छोड़ के आई, तो अभी जा रही हूँ होना लेने के लिए, बच्चे भी ना ऐसे एंटी हरकत करते हैं, अभी 9:30 बज रहे, हाँ चल सो जाना बेटा इधर। क्या कर रहे है, सो रहा है, क्यों क्यों सो रहा है, वैसे मुंह क्यों कर रहा है, आंख बंद करो वारिस। सोने वाला बच्चा अभी यहाँ पे आके गाड़ी खेल रहा है, मुझे बोला मम्मा बहुत ज्यादा नींद आई है सुलाओ, है ना वारिस, तो मम्मा ने उसके सर की मसाज भी करे लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो व्लॉग चल रहा है 2 दिन से, तो मैं सोच रही हूँ व्लॉग को एंड करूँ, तो गाइस बोलो, तो गाइस बोल, हम व्लॉग एंड कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए, हाँ हाँ बोल बोल बोल, हाँ जोर से बोलो, अल्लाह अल्लाह वाफिफ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।
तब तक के लिए अल्लाह। मम्मा कैसे हाथ लगाते कैमरे को बता। ऐसा हाथ कैसे लगाते, लगाओ रुको रुको, हाँ लगा।